अभी जो हर साल कांडा में ईद का मेला लगता है, इस बार कैसी व्यवस्था रहेगी? देखिए, ईद के मेले के बारे में ये है, हर साल ईद का मेला वक्फ की ज़मीन नंबर 471 पे लगता था और 471 वक्फ बोर्ड ने दे दी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को लीज पे कॉलेज बनाने के लिए। और वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मॉडल एजुकेशन हब योजना के अंतर्गत एक मॉडल स्कूल बन गया, उसका निर्माण तकरीबन ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट है। अब रह जाता मामला दूसरी जगह पे स्कूल लगाने का, वक्फ का मामला वहाँ पर खत्म हो गया। वक्फ की कमेटी थी वो वक्फ की ज़मीन पर निकल लगाया करती थी, गलत लगाती थी, सही लगाती थी, उनको अधिकार था या नहीं था, लेकिन बहरहाल उसी ज़मीन तक वो सीमित थी। अब जब वक्फ ने ज़मीन ही दे दी सिरे से, तो उनके यहाँ की बुनियादी कट गई, बुनियादी ख़त्म हो गई। अब चूँकि मेला आज का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना मेला है और इस मेले के साथ में लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं और इस पूरे इलाके में ये अकेला मेला लगाया जिला मेला है भी नहीं ईद के हिसाब से, तो ये त्यौहार के हिसाब से मेला लगता है। ये कोई वक्फ बोर्ड की जायदाद नहीं है मेला। अब वो मेला सैकड़ों साल से नगर पालिका या उससे पहले कमेटियाँ या बाद में कमेटियाँ लगाती चली आई, प्राइवेट लोगों की कमेटियाँ बनती थी लगाती चली आई। अब जब वक्फ बोर्ड का मामला ही ख़त्म हो गया, तो उस पूरी परंपरा को निभाते हुए नगर पालिका की तरफ से कुछ लोगों को परमिशन दे दी गई कि आप मेला लगा लें। अब हमने NOC दे दी ये देखते हुए कि ज़मीन मेले के हिसाब से पर्याप्त है या नहीं है। अब प्रशासन का काम है कि लाइन ऑर्डर के हिसाब से या फिजिबिलिटी के हिसाब से प्रशासन उसका फैसला करे। SDM साहब हैं, DM साहब हैं और लोग हैं, उनके पास पूरा केस है, वो फैसला करें कि ये मेला होना मेला कहाँ पर सही रहेगा, उनको फैसला करना है, इसमें हमारा कोई मुदाखलत नहीं है। मसला ये है कि मेले अब कुछ लोग जो चाहते ही हैं कि मेला ना लगे, वक्त के मुतवल्ली थे इस बात से और उस वक्त के पैसे को हराम का पैसा समझ कर वो हमेशा उस पैसे से अपनी बेटियों की शादी क्या करते थे, कभी उन्होंने उस पैसे को खर्च नहीं किया, उस पैसे से अपनी बेटियों की शादी करते थे और रिश्वत पहुँचाया करते थे ऊपर अधिकारियों तक। कभी भी जो वक्फ का कानून है उसके तहत उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उनके मुंह को हराम लगा हुआ है, वो चाहते हैं कि मेला हो और अगर नहीं हो तो कहीं पे भी ना हो। और उसके पीछे यहाँ जो समाजवादी पार्टी का वोट है उसका बहुत बड़ा हाथ है, वो चाहते हैं कि मेला ना हो और मेला अगर नहीं होगा तो उनको ये कहने का मौका मिलेगा कि BJP की सरकार उत्तर प्रदेश में आई योगी जी के उसमें और उन्होंने एक ईद के मौके पे मुसलमानों का जो मेला लगता था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो वो एक ये पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े लेवल पे करछी की साजिश है जो मेला ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेला यहाँ से ख़त्म हो जाए और ख़त्म होने की वजह से फिर पूरे UP में वो समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से कैंपेन चले और वो ये कहें कि देखो जी, इन्होंने मुसलमानों का अकेला मेला लगता था पूरे उत्तर प्रदेश में, वो मेला भी BJP ने ख़त्म कर दिया। और मेरे ख्याल में प्रशासन के सामने तमाम बातें हैं और नहीं हो तो उनके संज्ञान में लोगों की बात लानी चाहिए। मेला लगना चाहिए लेकिन मेला प्रशासन जहाँ पर चाहे, जहाँ पर वो लाइन ऑर्डर के हिसाब से देखें वहाँ लगना चाहिए। अब बात यह है कि ईदगाह जो पुराने वक्फ कमेटी का मुतवली है, वो मैंने सुना है वो उनका बेटा धमकियाँ दे रहा है कि अगर मेला हमें लगाने की इजाज़त मिली तो हम झगड़ा करेंगे, दूसरी जगह लगने देंगे। ये प्रशासन का चैलेंज है, जहाँ पे 10 पुलिस वाले लगे थे वहाँ 20 पुलिस वाले लग जाएंगे, तो मेला लगने में कोई परेशानी नहीं है। प्रशासन अगर चाहे तो कोई परेशानी नहीं है, ये 10-5 लफंगे हैं टाने के, इनको चाहे तो हैंडल कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, उनको हैंडल करना है। अच्छा, जो लोग इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं वही तो मैंने कहा, वही गुंडे थे विरोध करने वाले, जो मेले से अपनी बेटियों की शादी कर रहे थे वक्त में खर्च आवाम के ऊपर खर्च करने के बजाय, उनके मुँह को हराम लगा हुआ था, तो वो चाहते ही है कि मेला जब यहाँ नहीं हो रहा तो उन्होंने कुछ नेताओं के साथ में हाथ मिला लिया है, वो चाहते हैं कि हमारे हाथ से तो निकल गया लेकिन अभी सियासी इशू बन जाए और फिर इसका पूरा का पूरा मलबा BJP की जो मौजूदा UP में सरकार है इसको ऊपर डालते हैं। जैसे इस बार मेला आपकी धूमधाम से चलेगा, पालिका की निगरानी में मेला नहीं लगता है, मेला तो प्रशासन की निगरानी में लगेगा। नगर पालिका ने तो नगर पालिका क्षेत्र में हो रहा तो हमने NOC दी इस जगह पर मेला लगाने में, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमने ये NOC दी है। मेला हमारी निगरानी में नहीं लगेगा, मेला तो लगेगा पुलिस की निगरानी में, DM की निगरानी में, SDM की निगरानी में, वो निगरानी खुद करेंगे उसकी,
वो चाहेंगे तो परमिशन देंगे, वो चाहेंगे तो परमिशन नहीं देंगे। अच्छा, ये जो मेला लगेगा चेयरमैन साहब, ये सरकारी ज़मीन पर होगा या प्राइवेट पर लगेगा? देखिए, सरकारी ज़मीन पर लगाना चाहें या प्राइवेट ज़मीन पर, ये प्रशासन को कहना है, ये हमें तय नहीं करना। हम तो ये कहते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई आदमी हमारे पास आता है, कोई कहता है कि साहब मेरे पास पर्याप्त 20 बीघे 25 बीघे ज़मीन है जिस पर मेला लग सकता है, तो हम उस जगह की जगह का इंस्पेक्शन करके उसको एक NOC देते हैं कि हमें इस जगह पर मेला लगाने का कोई एतराज़ नहीं है। हम अपनी NOC देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम देते हैं, लेकिन मेला लगना चाहिए उस जगह पे या नहीं लगना चाहिए, इसका फैसला प्रशासन को करना है, इसका फैसला हमें नहीं करना है, क्योंकि बाद में इंतजाम भी उन्होंने नहीं करना है। लेकिन मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि वो गुंडों के मवालियों के दबाव में नहीं आए किस तरह से। यहाँ पे चंद 10-5 गुंडे हैं और वो पूरी एक साजिश करके चल रहे हैं कि मेला न लगे, और न लगने का वो मलबा डालेंगे उनके ऊपर, तो वो प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए, धमकियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को NSA लगा के जेल भेजना चाहिए, उनका यह आज़ाद होने का क्या फ़ायदा, उनको उनको जेल भेजना चाहिए, गुंडे हैं वो, उनको बंद करना चाहिए।